जामनगर में कोरोना खरा अर्थ में महामारी साबित थई रह्यो छे। शहर में छेल्ला 24 कलाक में कोरोना 11 दर्दीओना मृत्यु निपज्या छे। जो कि तंत्रना अहेवालमां कोरोना थी कोई दर्दीनुं मृत्यु न थयुं होवानुं दर्शावायुं छे। सरकार कोरोना मृतकोना आंकड़ा छुपावी रह्यानो राज्यव्यापी आक्षेप लागी रह्यो छे। तंत्रना अहेवाल मुजब जामनगर ग्राम्य में कोरोना थी वधु एक मृत्यु थयानुं दर्शावायुं छे। जामनगर शहर में आज कोरोना नवा 102 केस नोंधाया छे। शहर उपरांत जिल्ला में कोरोना वधु 21 केस सामे आव्या छे। एटले के समग्र जिल्ला में कोरोना 123 केस नोंधाया छे। जामनगर शहर मांथी कोरोना वधु 100 दर्दीओने तथा जिल्लाना अन्य विस्तारोमांथी 25 दर्दीओने होस्पिटलमांथी रजा आपवामां आवी छे। गई काले जामनगर जिल्लाना सड़ोदरमां 7 इंच तथा लालपुरमां सवा 4 इंच वरसाद नोंधायो हतो। आजे मेघराजाए थोड़ोक विराम लीधो हतो, परंतु जामनगर शहर तथा तालुकामां धोधमार ઝાપટું આવ્યું હતું। जामनगर तालुकामां सांजे 4 થી 6 दरमियान पौणो इंच वरसाद नोंधायो हतो। केंद्र सरकार धीमे धीमे मोटा भागना क्षेत्रों में खानगीकरणने प्राधान्य आपी रही छे। रेलवे क्षेत्रनो पण तेमां समावेश थाय छे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज यूनियन द्वारा रेलवेना खानगीकरणनो विरोध करवामां आवी रह्यो छे। रेलवेना जामनगर हापा ब्रांचना एम्प्लॉईज यूनियनना कर्मचारीओ द्वारा आ मुद्दे सरकार विरुद्ध सूत्रोच्चार करी विरोध प्रकट करवामां आव्यो हतो। आप में से कई लोग ऐसे भी लोग हैं जिनके फादर और दादा रेलवे में थे और उनको आज तक पेंशन मिल रही है और उनकी पेंशन से आज उनका सोशल स्टेटस, उनका रैंक चैन इतना ऊंचा आ गया है। लेकिन सोचो कि अगर आप नए लड़के हैं, आपकी पेंशन नहीं आएगी तो आप अपने भविष्य का सोचो, अपने बच्चों का सोचो कि उन बच्चों का क्या होगा। और ये तो मालूम है कि कोविड-19 की आड़ में इस सरकार ने बहुत कड़े फैसले ऐसे ले लिए हैं जो तानाशाही फैसले हैं। वो हाथ जो हम इकट्ठे हुए हैं ये खानगीकरण को दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर ये खानगीकरण आ गया और अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि लागू नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 10% खानगीकरण लागू कर दिया है। सबसे पहले आपको जो प्रिविलेज पास मिल रहा था, आप जो प्रिविलेज पास की फायदा ले रहे थे, आपका सबसे पहले वहाँ पे कटौती होगी। जब भी कोई खानगी गाड़ी चलेगी, कोई भी गाड़ी अगर प्राइवेट गाड़ी चलेगी दोस्तों, आपका पास उसमें नहीं चलेगा। जामनगर शहर तथा जिल्ला में कोरोना संक्रमण बेकाबू थई गयुं छे। આવી સ્થિતિમાં લોકો હજુ પણ બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે। છલોછલ ભરેલા જામનગરના રણજીત સાગર ડેમ પર મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ ઉમટી રહ્યા છે। તંત્રએ અગાઉ ડેમ સાઇટ પર મૂકેલો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ હાલમાં જોવા મળતો નથી। આ મુદ્દે તંત્રએ સક્રિય થઈ ફરીથી ડેમ સાઇટ પર બંદોબસ્ત ગોઠવવાની જરૂર છે।